ऑफिस से, कोर्ट से, अस्पताल से, दुकान से घर लौटो तो सोच करके मत लौटना कि कोई क्लाइंट, कोई पेशेंट, कोई कस्टमर मेरा इंतजार कर रहा है। ये सोच करके घर लौटो मेरे भाई कि मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मेरे पिता मेरे इंतजार कर रहे हैं। अरे जब भी आदमी ये सारी डिग्रियां दरवाजे के बाहर छोड़ करके आइए, मंदिर में जाओ तो सारी डिग्रियां बाहर छोड़ो, घर में लौट कर आओ तो सारी उपाधियां ये घर वालों ने दी है या बाहर वालों ने, बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बाहर वालों ने ये डिग्रियां दी हैं, ये बाहर वालों की डिग्री बाहर वालों की काम आती है, घर वालों की कोई काम नहीं आया करती है। आपसे कह रहा हूं कि जब भी आप घर लौट करके आओ, घर से घर वापिस आओ, दुकान से ऑफिस से दफ्तर से जब भी लौटो, अरे घर के दरवाजे पर जहां जूते उतारते हो ना, वहीं अपनी वकालत उतार दिया करो, वहीं अपना डॉक्टरीपन उतार दिया करो, वहीं अपना शिक्षकपना उतार दिया करो, घर में जाओ। मैं तो आपसे कहता हूं रोज साधु संतों का सत्संग मिले या ना मिले, एक घंटे अपने बच्चे को जरूर दिया करो सत्संग के लिए, क्योंकि बच्चों को दिया हुआ समय किसी सत्संग से कम नहीं हुआ करता है, क्योंकि छोटा बच्चा तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है। क्योंकि तुम ऑफिस से आओगे हरे थके हुए हारे हुए, बच्चा कहेगा पापा घोड़ा बनो, मैं तुम्हारे ऊपर आकर बैठूंगा, सारी दुनिया तुमको सलाम करती होगी, जय जिनेंद्र करती होगी। बच्चा घोड़ा बना करके कहता है कि चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, वो लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, वो घोड़े की दुम पे जो मारा, थोड़े घोड़े बन जाओ, ध्यान रखिए, थोड़े बचपना लौट करके आइए। साधु संत भी 24 घंटे गंभीर रहेंगे तो वो समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे। हम लोग तो वो शिक्षा प्राप्त की है कि बच्चे बैठते हैं तो हम बच्चे हो जाते हैं, बड़े बैठते हैं तो हम बड़े बैठ जाते हैं, महिलाएं बैठती हैं तो उनके जैसा व्यवहार करने लगते हैं, वो कोई विद्वान आ जाता है तो शास्त्रार्थ भी कर लिया करते हैं, और कोई आचार्य आ जाता है तो चरण की वंदना भी कर लिया करते हैं। ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा अपना जीवन बनाओ, हर तरह का सब्जेक्ट पर, नाइन्थ तक टेंथ तक आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं ना, कि एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। एक सब्जेक्ट कब चुनते हैं? टेंथ पास करने के बाद। यदि पहली क्लास से एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता तो तुम्हें डॉक्टर की उपाधि तो मिल जाती, लेकिन तुम्हें ज्ञानी ज्ञानी का खिताब प्राप्त नहीं होता, तुम्हारा विकास रुक जाता। हर तरह का सीखना पड़ता है, हिंदी भी सीखना पड़ती है, साइंस भी सीखना पड़ता है, आर्ट भी सीखना पड़ता है, कॉमर्स भी सीखना पड़ता है, टेंथ तक आदमी को सब कुछ पढ़ना पड़ता है। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, और संत यदि समाज के बीच में रहता है तो उसे हर सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के वह देश का कायाकल्प और समाज का उद्धार करता है। अरे अभी तुम्हें यह मत सोचिए कि मेरी शादी हो गई तो मैं आदर्श पति बनकर के जीऊंगा, अरे आदर्श पति ही नहीं, अपने माँ बाप का आदर्श बेटा बनना भी तुम्हें बहुत जरूरी है, और पत्नी का आदर्श पति भी बनना बहुत जरूरी है, और अपने बच्चों का आदर्श बाप बनना भी बहुत जरूरी है, और अपनी बहन का एक अच्छा भैया बनना भी तुम्हें बहुत जरूरी, अच्छे डॉक्टर वकील बन जाओ, ये बाहर की दुनिया है मेरे भाई, भीतर की दुनिया को जीने का प्रयास।